सिवनी जिले के जनपद पंचायत घनसौर के अंतर्गत मंगलवार से कतिया समाज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मुख्य आरोपी दीपेश नेमा की गिरफ्तारी को लेकर समस्त कतिया समाज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा रहेगा। जो मुख्य आरोपी दीपेश नेमा है, उसके यहाँ प्रिंस गिरियाम अभी काम करता था, उसको यह आरोपी बनाकर पुलिस ने जेल में डाल दिया है, जबकि आरोपी दीपेश नेमा फरार है। समस्त कातिया समाज एकजुट होकर दीपेश नेमा गिरफ्तारी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि दीपेश नेमा की शीघ्र गिरफ्तारी हो, श्री कृष्ण कुमार के सुपुत्र प्रिंस गिरी आम को शीघ्र ही न्याय मिले और आरोपी को सजा मिले, ऐसा ही सभी कातिया समाज के लोगों का कहना है। शासन प्रशासन के समस्त कातिया समाज ने न्याय की गुहार लगाई है, अब देखना है कि उनको कब तक न्याय मिलता है। घनसौर से HDL24 न्यूज के लिए दिलीप यादव की रिपोर्ट। मेरा नाम राम कुमार धार्मिक है। और पूरा मामला क्या है, किस विषय को लेकर भूख हड़ताल है? ये भूख हड़ताल हमारी हमारे सामाजिक और हमारे भाई श्री कृष्ण कुमार गिरियाम के सुपुत्र प्रिंस गिरियाम को पुलिस द्वारा अनैतिक ढंग से, जो कि हमारे तहसीलदार महोदय ने दीपेश नेमा की FIR दर्ज करवाई है, और उस विषय में मुख्य आरोपी दीपेश नेमा जो कि आज तक फरार है, और जो हमारे भाई प्रिंस गिरियाम उनकी दुकान में कभी काम करता था, उसको सही आरोपी बना करके पुलिस ने उसको जेल में पहुंचा दिया है। और इस विषय को लेके हम समस्त मध्य प्रदेश कतिया समाज ब्लॉक शाखा घनसौर भूख हड़ताल में बैठे हैं, और जब तक हमारे मुख्य आरोपी दीपेश नेमा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब तक हम समस्त कतिया समाज ब्लॉक शाखा घनसौर या भूख हड़ताल को जारी रखेंगे। जिसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग मिला? पुलिस प्रशासन अभी तक हमको यही बोल रही कि हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वह हमको मिल नहीं रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।